हेलो मेरे प्यारे बच्चे आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th ICSE केमिस्ट्री के लास्ट चैप्टर जिसका नाम है प्रैक्टिकल केमिस्ट्री या कई बुक्स में प्रैक्टिकल वर्क का लेक्चर नंबर 2। बच्चे ये एक ऐसा चैप्टर है जिसे कई बच्चे एग्जाम्स के लिए इग्नोर कर देते हैं क्योंकि ICSE की वेबसाइट पर उसमें सिलेबस में क्लास 10th ICSE केमिस्ट्री के सिलेबस में इस का कुछ भी मेंशन टॉपिक नहीं है। लेकिन बच्चे ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हर साल इस चैप्टर में से 4 से 5 नंबर 6 नंबर तक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका लेक्चर नंबर 1 मैं ऑलरेडी आप लोगों को दे चुका हूं, अगर आपने अटेंड नहीं किया है तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके आप पीछे का लेक्चर अटेंड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे भी गिवेन है। फर्स्ट लेक्चर तो इंपॉर्टेंट था ही था, लेकिन ये वाला जो पार्ट 2 है इस चैप्टर का, ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं वैभव अग्रवाल एंड वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स ब्रो। तो चलिए बताते हैं इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं और पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था। ये जो पूरा चैप्टर है, पूरा चैप्टर 13 चैप्टर आपका कंसाइज केमिस्ट्री में 13 चैप्टर है, जबकि आप दूसरी बुक्स में जाएं तो किसी में 9 किसी में 10 चैप्टर है। फिलहाल ये पूरा का पूरा 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें सबसे पहला जो पार्ट है वो है आपका रिकॉग्निशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैसेस, जो मैंने ऑलरेडी पार्ट नंबर 1 यानी लेक्चर नंबर 1 में आपको बता दिया है। आज इस लेक्चर में मैं आपको ये 4 टॉपिक्स तो बताऊंगा, साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि प्रीवियस ईयर में इस चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो भैया ध्यान कर लो, आपको यहां पे भरोसा हो जाएगा कि भैया ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस चैप्टर में से आता है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन क्लास 10th ICSE केमिस्ट्री। फिलहाल आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिकॉग्निशन ऑफ सब्सटेंसेस बाय कलर ऑर्डर एंड एक्शन ऑफ हीट। अलग अलग सब्सटेंसेस हैं, एग्जाम में आ जाता है कि ये सब्सटेंस इस कलर का है, इसको हमने हीट किया तो ये गैस बन गई, उसका ये रिएक्शन हो गया, आइडेंटिफाई करिए कौन सा सब्सटेंस है। तो वो आपको पता होना चाहिए किसका क्या कलर होता है, हीट से क्या एक्शन होता है, ऑर्डर क्या होती है। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि आयंस की कैसे आइडेंटिफिकेशन करी जाती है कि इसमें पॉजिटिव आयन है, अमोनियम आयन है, कॉपर आयन है, कौन सा आयन है, एनायन कौन सा है, ऐसी डिस्टिंक्शन बिटवीन डाइल्यूट एसिड्स एंड अल्कलीज एसिड्स बेसिस को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे फ्लेम टेस्ट की कि अलग अलग सब्सटेंसेस के मेटल के सॉल्ट्स को अगर हम बर्न करते हैं तो उससे कौन सा कलर बनता है और फ्लेम के कलर से कैसे पहचानेंगे कि उसमें कौन सा आयन प्रेजेंट है उसके सॉल्ट में। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रिकॉग्निशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैसेस, जो हम लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा दिए थे। ये 10 गैसेस हैं, इस 10 गैसेस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उनकी ऑर्डर से, उनकी कलर से, उनके रिएक्शन से, उनके टेस्ट, वो मैंने पिछले लेक्चर में बताए हैं। ठीक है, अभी हम सीधे से चल रहे हैं सेकेंड टॉपिक, रिकॉग्निशन ऑफ सब्सटेंसेस बाय कलर ऑर्डर एंड एक्शन ऑफ हीट। तो सबसे पहले आप ये देखिए प्यारे, कलर हम देखेंगे, मतलब क्या एग्जाम में आएगा कि कोई एक सॉल्ट है, ग्रीन कलर सॉल्ट है, फिर उसके आगे लिखा होगा कि इसको हमने ये रिएक्शन किया। लेकिन अगर वो वहाँ बोल देंगे कि ग्रीन कलर का सॉल्ट है, तो उसमें कौन सा आयन सस्पेक्टेड है कि हाँ भैया इसके अंदर ये आयन हो सकता है, उसके लिए आपको कलर याद करना जरूरी है किसका कौन सा कलर होता है। 4 सब्सटेंसेस के 4 आयन्स के मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। बात करें अगर कोई सॉल्ट आपको कह दिया गया कि वो ब्लूइश या फिर ग्रीनिश कलर का सॉल्ट है जिसको हम हीट कर रहे हैं या रिएक्ट करवा रहे हैं किसी दूसरे सब्सटेंस से, तो आप समझ जाना प्यारे ब्लूइश और ग्रीनिश कौन सा आयन होता है, कौन सा आयन होता है, वहाँ पर आप करोगे कॉपर 2+ आयन। इसका मतलब ये यहाँ पे सस्पेक्टेड आयन है कि ब्लूइश और ग्रीनिश। ठीक है, एक बार आप भी बोलना जरा, 5 बार बोल के दिखाना है, ब्लूइश ग्रीनिश। ठीक है, फिलहाल चलिए बात आई ब्लूइश और ग्रीनिश आयन अगर होगा तो वो होगा कॉपर आयन Cu2+। लेकिन मैंने यहाँ पे ब्लूइश और ग्रीनिश दोनों लिखे हैं, इसका मतलब क्या है बेटा, कॉपर के कुछ सॉल्ट्स होते हैं वो ब्लूइश कलर के होते हैं जबकि कुछ सॉल्ट्स ग्रीनिश कलर के होते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे मैंने आपको ये वाला सॉल्ट दिया है, अगर हम कॉपर सल्फेट की बात करें, कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं CuSO4.5H2O, ये आपका ब्लू कलर का होता है, जबकि कॉपर क्लोराइड के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो आप देखिए यहाँ पे, अरे भाई ये कहाँ गया, ये आ गया कॉपर क्लोराइड का जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है। ऐसे ही अगर लाइट ग्रीन कलर का सब्सटेंस है तो उसमें कौन सा आयन होगा Fe2+। जैसे देखिए
फेरस क्लोराइड FeCl2। आयरन जो होता है उसकी दो वैलेंसीज होती हैं, एक 2+ एक 3+, आपने पढ़ा होगा उम्मीद है। 2+ वाले सॉल्ट का कलर लाइट ग्रीन होगा और 3+ वाले आयन का जो कलर है वो येलो या येलोइश ब्राउन होगा, कुछ इस तरीके से। जैसे फेरस का जो सॉल्ट है, फेरस क्लोराइड FeCl2, ये देखिए इस तरीके से ग्रीन कलर का है, जबकि फेरिक क्लोराइड FeCl3 ये रेडिश ब्राउन कलर का है, रेडिश ब्राउन कह लो, येलोइश ब्राउन कह लो, येलोइश ब्राउन, ठीक है। जबकि बाकी इसके अलावा जितने भी हैं वो सारे वाइट होते हैं, सारे वाइट होते हैं, मैक्सिमम 99% सब वाइट होते हैं। जैसे लेड के, जिंक के, कैल्शियम आयन, सोडियम सॉल्ट, पोटेशियम सॉल्ट एंड अमोनियम सॉल्ट के जितने भी ये आयन से सॉल्ट होते हैं, ये या तो वाइट होते हैं या कलरलेस होते हैं। जैसे ये देखिए मैंने यहाँ पे दिखा रखा है जिंक क्लोराइड, ये वाइट कलर का होगा। तो मेनली आप ये तीन याद कर लो, बाकी कह देना वाइट है ना, तीन याद कर लो बस, ठीक है। ये तीन आपको याद करने हैं भैया, और याद करने ही करने हैं, इसको रटना ही रटना है, ठीक है। फोटो दिखा रहा हूँ आपको ताकि एकदम ध्यान में आ जाए, अरे हाँ वो पहला वाला सर ने दिखाया था कॉपर सल्फेट, वो ब्लूइश और ग्रीनिश था, जबकि दूसरा वाला जो था आपका लाइट ग्रीन कलर का और येलो ब्राउन कलर का, येलोइश ब्राउन कलर का था, 2+ और 3+, ठीक है। चलिए बात करें इसके बाद कि इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे, वो मैं बिल्कुल लास्ट में आपको बताऊंगा, अभी सिर्फ आप थ्योरी समझिए। बात आई व्हेन अमोनियम सॉल्ट इज हीटेड, अभी है एक्शन ऑफ हीट ऑन अमोनियम सॉल्ट्स, अभी हम सेकंड नेक्स्ट पार्ट पे आ गए हैं कि अगर हम सॉल्ट्स को हीट करते हैं तो क्या होगा। सॉल्ट्स को जब हम हीट करेंगे तो भैया सॉल्ट्स कौन सा है इस पर डिपेंड करेगा कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब सॉल्ट्स कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे वो अमोनियम सॉल्ट्स हो सकते हैं, लेट्स से अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, है ना, ये सॉल्ट्स की जो फैमिली होती है उन्हें अमोनियम सॉल्ट्स कहते हैं। या वो नाइट्रेट हो सकते हैं जिसमें NO3 लगा हो, जैसे कैल्शियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट, ये हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। ऐसी दूसरे सॉल्ट्स हो सकते हैं सल्फाइड सॉल्ट्स, जैसे नाइट्रेट सॉल्ट, ऐसी सल्फाइड्स जिसमें SO3 लगा हो वो सल्फाइड्स कहते हैं। तो ये अलग अलग हमें एक्शन पढ़ने हैं कि ऑक्साइड्स पर, नाइट्रेट्स पर, अमोनियम सॉल्ट्स पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो सबसे पहले हम अमोनियम सॉल्ट्स की बात करें, तो अमोनियम सॉल्ट्स में हम बात करें इज हीटेड विद एल्कली, किसी भी अमोनियम सॉल्ट को अगर आप एल्कली के साथ हीट करते हो, जैसे कि आप देखिए यहाँ पे आप ले लेते हैं अमोनियम सॉल्ट आपका NH4, NH4 अमोनियम सॉल्ट है कोई, जैसे आपने ले लिया अमोनियम नाइट्रेट ले लीजिए, चलिए यहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट है, अमोनियम नाइट्रेट ले लीजिए, यहाँ पे क्या दे रखा है पहले से, लेट्स सी, नहीं ठीक है, जैसे आपने अमोनियम नाइट्रेट ले लिया, ठीक है ये लीजिए अमोनियम नाइट्रेट आपने ले लिया, इसको आपने किसी एल्कली यानी जिसमें OH होता है ना, NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बट एक्सेप्ट अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अलावा कोई भी एल्कली ले लो, लेट से चलो NaOH ले लिया आपने, इसके साथ हीट करोगे तो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा। जब भी अमोनियम के कोई भी सॉल्ट्स होंगे तो बेटा ध्यान रखना अमोनियम आयन से, अमोनियम सॉल्ट से गैस तो निकलेगी ही निकलेगी, जो NH4 की तरह होती है, कौन सी, अमोनिया गैस, गैस निकल रही है तो इस पर अपवर्ड एरो बना दिया, यहां से H होगा और यहां से OH होगा, H और OH मिलके H2O बना लेना है, और Na किसके साथ चले जाना है, ऑब्वियसली NO3 के साथ, और सोडियम जब नाइट्रेट के साथ जाएगा तो सोडियम नाइट्रेट बनाएगा जिसका फॉर्मूला NaNO3 होगा। बैलेंस ऑलरेडी है मुझे लगता है पहले से, ठीक है, तो इसे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अमोनियम नाइट्रेट की जगह ये लीजिए अमोनियम, आप ले लीजिए अमोनियम सल्फेट ले लीजिए, अमोनियम क्लोराइड ले लीजिए, ये लीजिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ अमोनियम सल्फेट जिसका फॉर्मूला होता है NH4 होल ट्वाइस SO4, इसको अगर हम NaOH की जगह ये लीजिए KOH से कर दिया, KOH से करेंगे तो K किसके साथ जाएगा, ऑब्वियसली SO4 के साथ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, पोटेशियम सल्फेट जिसका फॉर्मूला K2SO4। अमोनियम जब भी है तो गैस बनेगी, कौन सी बताई, हाँ जी अमोनिया गैस बनेगी, ठीक है अपवर्ड एरो, और यहाँ से H बचेगा और OH मिलके H2O बना लेंगे, लेकिन ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं दो K हैं तो यहाँ पर दो K हैं तो यहाँ पे दो K लगाइए, है ना, और यहाँ पे आप देखिए नाइट्रोजन एक है, दो है यहाँ पे नाइट्रोजन, जबकि यहाँ पे एक ही है नाइट्रोजन, तो यहाँ दो लगाइए, अभी मुझे लगता है बैलेंस हो गई है। ऑक्सीजन अगर देखें तो यहाँ पे दो चार पाँच
पांच ऑक्सीजन है यहाँ पे, जबकि यहाँ पे देखें चार और दो छह ऑक्सीजन है, तो अभी यहाँ पे ये बैलेंस नहीं हुई है। तो आपको बैलेंस करने के लिए यहाँ छह है तो यहाँ भी छह करना पड़ेगा, तो होगा चार दो छः हो गई, अभी ये बैलेंस हो गई होगी। हाइड्रोजन एक बार फिर से देख लेते हैं, 4 2 8, 8 और 2 10 हाइड्रोजन है आपके पास, जबकि यहाँ पे 3 2 6 और 4 10 बैलेंस हो गए। तो भैया आईसीएसई में इक्वेशंस को बैलेंस करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वरना मार्क्स कटेंगे। तो भैया बैलेंसिंग जरूर करिए। मैंने कहा यहाँ पे NH4OH नहीं हो सकता, ऑब्वियसली प्यारे अगर NH4SO4 के साथ NH4OH ले लेंगे तो NH4 इधर भी रिएक्ट ही नहीं करेगा। तो याद रखना अमोनियम हाइड्रोक्साइड नहीं। फिलहाल अमोनियम नाइट्रेट की बात करें, अमोनियम नाइट्रेट की बात करें, यहां पर तो हमने रिएक्शन पढ़ा था एल्कली के साथ, अब उसे हीट की बात कर रहे हैं। अगर अमोनियम नाइट्रेट को हीट करें एल्कली के साथ, नहीं वैसे ही अकेले ही अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला NH4NO3, इसको अगर हम हीट करें, ये लीजिए हीट का साइन लगा दिया, तो प्यारे ये एक बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन है, ये बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन है, आपको याद रखना है। अरे बोले सर आप हंसने क्यों लगे? अरे हंसी आ गई क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट को हीट किया जा रहा है। बोले हैं अमोनियम नाइट्रेट को हीट करेंगे तो हंसी आएगी? जी हाँ हंसी आएगी, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी सी गैस बनती है N2O, साथ में N2O के H2O बनता है। भैया ये N2O डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये ही क्या है, लाफिंग गैस है मेरे प्यारे, ये लाफिंग गैस है जिससे हंसी आती है, इसलिए मुझे हंसी आने लगी थी। ठीक है, तो याद रखिए अमोनियम नाइट्रेट से लाफिंग गैस बनेगी। बैलेंसिंग की बात करें तो यहाँ चार हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए, 3 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। बोले अच्छा सर ये लाफ कराती है हंसाती है, तो प्यारे एक बात जान लो, ये जैसे मूवीज वगैरह में कार्टून्स में आप दिखाते देखते हैं कि कहीं पे लाफिंग गैस लीक हो गई तो सब लोग हंस रहे हैं, नहीं प्यारे ऐसा नहीं है कि इससे हंसी आती है ना। एक्चुअली में आप लोग का ये भ्रम है। एक्चुअली में क्या होता है, देखिए जो ये डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस है, ये जब हम इनहेल करते हैं तो हमारी जो चीक्स की मसल है ना, यहाँ वाली मसल्स, एक्चुअली ये मसल्स हमारी स्ट्रेच हो जाती हैं, थोड़ी सी स्ट्रेच कह लो या कॉन्ट्रैक्ट कह लो, थोड़ी सी ऐसी हो जाती हैं चीक्स की मसल, ऐसे देखिए। तो ये देखिए कैसा ऐसा लगने लगता है, ये लीजिए जैसे मैं जोकर की तरह हंस रहा हूं, तो हंसी आती नहीं है, यहाँ पे स्ट्रेचिंग होने की वजह से मुंह ऐसा बन जाता है जैसे कोई हंस रहा है, इसलिए हम इसे लाफिंग गैस कहते हैं। चलिए फिलहाल अमोनियम क्लोराइड की बात करें, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NH4Cl, अगर इसे हीट करें तो इससे भी बेटा अमोनियम सॉल्ट है, गैस बनेगी यहाँ पे, अमोनिया गैस बनती है प्लस एक H और एक H बचेगा और Cl बचेगा, उसे बन जाएगा HCl, जिसमें देखिए ये भी गैस है ये भी गैस है, इसमें भी ये भी गैस है और ये भी जो वाटर बनता है गैसियस फॉर्म में बनता है, इसलिए यहाँ पे लिखा है इट लीव्स नो रेसिड्यू। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि नेम टू कंपाउंड्स व्हिच ऑन हीटिंग लीव्स नो रेसिड्यू, मतलब सब गैस बन जाता है सब उड़ जाता है, तो आप लिख देना अच्छा सर अमोनियम नाइट्रेट और अमोनियम क्लोराइड। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है प्यारे। ठीक है चलिए अभी बात करें अगले पार्ट की, एक्शन ऑफ हीट ऑन ऑक्साइड्स, एक्शन ऑफ हीट ऑन ऑक्साइड्स में यानी मेटल की ऑक्साइड्स आपने ले ली हैं इस तरीके से, जैसे ये लेड ऑक्साइड HGO, इसको अगर हीट करते हैं तो बेटा ऑक्साइड्स को हीट करने पे ऑब्वियसली ऑक्सीजन गैस बनेगी, अमोनियम सॉल्ट्स को हीट करने पे जैसे अमोनिया गैस, ऐसे ही ऑक्साइड्स को हीट करने पर ऑक्सीजन गैस, जैसे ये देख लीजिए PbO2 है बेटा, लेड के ना दो ऑक्साइड्स होते हैं, लेड की वेरिएबल वैलेंसी होने की वजह से ये ऑक्सीजन के साथ दो तरीके का कंपाउंड यहाँ पे, एक PbO2 और एक Pb3O4, अगर चाहे आप ये ले लीजिए चाहे ये ले लीजिए, अगर आप हीट करेंगे तो हीट करने से इसमें भी लेड ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन बनेगी, और इसमें भी एक्चुअली तीन तरीके के लेड ऑक्साइड्स होते हैं, PbO2 PbO और ये Pb, यहाँ भी PbO बनेगा और ऑक्सीजन गैस इज लिबरेटेड। इसका कलर आपको पता होना चाहिए, जो लेड ऑक्साइड बनता है प्यारे ये येलो कलर का होता है,
लेड ऑक्साइड इज, ये वाली PbO वाली येलो कलर की होती है। तो कहीं पे भी आपको बोले एक ऑक्साइड बना है जो कि येलो कलर का है तो समझ जाना कौन सा, लेड ऑक्साइड, ठीक है, और साथ में ऑक्सीजन गैस। बोले अच्छा सर HgO को हीट करने पे क्या होगा, क्या HgO को हीट करने पर भी HgO बनेगा जैसे यहाँ? अरे HgO से HgO थोड़ी बन जाएगा, एक्चुअली मरकरी जो होती है एक लेस रिएक्टिव मेटल होती है, ऑक्सीजन के साथ इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं होती है, तो बेचारी को अगर हम हीट करते हैं लेड मर्क्यूरी ऑक्साइड को तो कमज़ोर होने की वजह से ये बेचारी ऑक्सीजन को छोड़ देती है, उसे जाने देती है, जा बहना जा, जा सिमरन जा, और ये बन जाता है मरकरी अलग और ऑक्सीजन अलग। बैलेंस कर दीजिए तो दो ऑक्सीजन है, यहाँ दो कर दीजिए, दो मरकरी हैं तो दो मरकरी, लेकिन बात थी इन ऑक्साइड्स को हीट करने पर ऑक्सीजन गैस बनती है, बस समझ पा रहे हो, ठीक है, ओके। अभी बात कर रहे हैं हम अगली, देखिए अगली क्या बात होगी, अगली बात है, यस अगली बात है आपकी एक्शन ऑफ हीट ऑन कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। पहला था अमोनियम सॉल्ट्स, दूसरा था ऑक्साइड्स, अब कार्बोनेट्स पढ़ रहे हैं, फिर नाइट्रेट्स पे हीट का एक्शन पढ़ेंगे। कार्बोनेट्स ले लें या चाहे बाइकार्बोनेट्स ले लें, बेटा दोनों के दोनों हीट करने पर कार्बोनेट CO3 लगा होता है उसमें, तो गैस बनेगी कौन सी, CO2। जी हाँ CO2 बनती है, जैसे कि आप देख लो सोडियम कार्बोनेट ले लो Na2CO3, इसको हीट कर दो आप, चाहे NaHCO3 को हीट कर दो, ये बाइकार्बोनेट हो गया है। कार्बोनेट दोनों से सेम कंपाउंड्स बनते हैं, हीट करेंगे, कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो बनेगी ही बनेगी, ठीक है, और साथ में और क्या बनेगा, आप देखिए CO3 में से CO2 निकल गई, बचा O, O और सोडियम जाके आपस में मिक्स हो जाएंगे, मतलब रिएक्ट कर जाएंगे और बन जाएगा सोडियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे दो ही कंपाउंड्स बनेंगे, सोडियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, बैलेंस पहले से है। लेकिन अगर सोडियम कार्बोनेट लेंगे तो सोडियम कार्बोनेट में बाइकार्बोनेट में CO2 तो निकलेगी निकलेगी, लेकिन यहाँ H भी आ गया तो होगा क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट को बेटा जब हम हीट करते हैं तो यहाँ पे बाइकार्बोनेट से बनता है पहले कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और H और O मिलके बना लेते हैं H2O, तो ये थोड़ी सी रिएक्शन अलग है। कार्बोनेट्स में ऑक्साइड बनेंगे, बाइकार्बोनेट को हीट करने पर पहले कार्बोनेट बनेगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो दोनों ही केस में निकलनी ही निकलनी है, बैलेंस नहीं है अगर नीचे वाली तो बैलेंस कर दीजिए, यहाँ दो सोडियम है दो लगा दीजिए, मुझे लगता है कि बैलेंस हो गई। तो ये ऐसे सोडियम बाइकार्बोनेट लिया आपने, ऐसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट कुछ भी आप लेके बना सकते हैं, सबके लिए यही होगा। बात करें लेड कार्बोनेट की, ये थोड़ा सा अलग है मेरे प्यारे, लेड कार्बोनेट PbCO3 होता है, अगर हम इसे हीट करते हैं, अगर हम इसे हीट करते हैं तो हीट करने से जैसे यहाँ पे आपने देखा कार्बोनेट से ऑक्साइड बनेगी, ऐसी कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगी बनेगी, साथ में एक ऑक्साइड बनेगी कौन सी, लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, और आपको बताया था अभी लेड ऑक्साइड का कलर क्या है, जी हाँ येल्लो येलो। ऐसे ही एक और देख लीजिए, अगर कॉपर कार्बोनेट को हीट करते हैं CuCO3, तो इससे भी ऑक्साइड बनेगी CuO, और गैस कौन सी निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, और पूछेंगे कहेंगे कि एक ऐसा सब्सटेंस बताओ जिसे हमने हीट किया, हीट करने से येलो सब्सटेंस बना प्लस एक गैस बनी विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, तो आप कहेंगे अच्छा लाइम वाटर मिल्की हो गया यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी होगी, अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है यानी वो सब्सटेंस कार्बोनेट रहा होगा, अच्छा वो येलो सब्सटेंस बना रहा है, बोले अरे येलो सब्सटेंस तो लेड ऑक्साइड का होता था यानी वो लेड कार्बोनेट रहा होगा, इस तरीके से आप बताएंगे। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। अब कलर की बात करें तो आप देखिए ये जो लेड कार्बोनेट होता है ये आप लिख लीजिएगा, लेड कार्बोनेट खुद वाइट कलर का होता है और ये हीट करने पर येलो हो जाता है, ऐसी कॉपर कार्बोनेट खुद ग्रीन कलर का होता है, अभी हमने देखा था कि कॉपर के जो कार्बोनेट, कॉपर के जो सॉल्ट्स होते हैं वो ग्रीनिश या ब्लूइश होते हैं और ये ग्रीन होता है, ठीक है, और आयरन के हमने पढ़े थे दो, लेकिन उसके अलावा जितने भी पढ़े थे वो हमने पढ़े थे वाइट सॉल्ट्स होते हैं, तो देखिए ये वाइट है लेड वाला, ऐसे ही कॉपर ऑक्साइड बनेगा, ये कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है, तो ये नीचे मैंने कलर बनाए, देखिए कॉपर कार्बोनेट कुछ इस तरीके से होता है वाइट कलर का, आप हीट करते हैं येलो हो जाता है,
लेड ऑक्साइड। ऐसे ही कॉपर कार्बोनेट ले लें, कॉपर कार्बोनेट ये ग्रीन कलर का है, हीट करने पर ब्लैक हो जाता है, ये कॉपर ऑक्साइड बन गया, ये लेड कार्बोनेट। ठीक है, बात समझ पा रहे हो क्या नहीं समझ पा रहे हो बताइए, जल्दी से टाइप करके बताइए कि समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, मज़ेदार है कि नहीं है, ये वाला इंपॉर्टेंट है बेटा, आगे जब क्वेश्चन कराऊंगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा, अरे सर ये तो क्वेश्चन आते हैं इसमें, हम तो छोड़ने वाले थे, हो जाती गड़बड़। चलिए अभी फिलहाल भला हो गया एग्जाम से पहले अगर आपने कर लिया है। चलिए आगे का देखते हैं, ये तो हो गया आपका, ये नेक्स्ट बात आई प्यारे आपकी, एक्शन ऑफ हीट ऑन नाइट्रेट्स। बेटा ये इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट ऑलरेडी हमने नाइट्रिक एसिड में पढ़ रखा है, लेकिन यहाँ पे भी पढ़ना जरूरी है क्योंकि प्रैक्टिकल वर्क है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि ये हीट करें क्या बनेगा क्या बनेगा, तो आपस में मिक्स होकर पता होना चाहिए क्या बनता है। तो देखो नाइट्रेट्स बनाए हैं मैंने, ये सारे आपके नाइट्रेट्स बना दिए हैं, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, इन सबको जब हम हीट करते हैं तो कंपाउंड्स क्या बनते हैं, वो सब में सेम नहीं बनते हैं, अलग अलग बनते हैं। मैंने इसको चार पार्ट्स में डिवाइड किया है। रिएक्टिविटी सीरीज पे जाओ तो सबसे ऊपर रिएक्टिव होते हैं सोडियम एंड पोटेशियम, तो उनके नाइट्रेट्स अलग कंपाउंड्स बनाते हैं। थोड़े कम रिएक्टिव वाले आ जाएं, कैल्शियम, जिंक, लेड और कॉपर, इनके अलग कंपाउंड्स बनेंगे प्रोडक्ट्स। उसके भी नीचे आ जाएं और लेस रिएक्टिव वाले, इनके देखेंगे क्या। और ये अमोनियम नाइट्रेट तो सबसे अलग है क्योंकि ऊपर वाले सब मेटल के हैं, जबकि ये नॉन मेटल का नाइट्रेट है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों नॉन मेटल होते हैं। फिलहाल देखते हैं, देखिए सोडियम नाइट्रेट को प्यारे जब हम हीट करते हैं ना, तो ये बनता है सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट, NO3 से NO2 बनता है, प्लस एक गैस निकलती है, कौन सी, ऑक्सीजन गैस। ऐसे ही पोटेशियम नाइट्रेट को हीट करते हैं तो पोटेशियम नाइट्राइट, पोटेशियम मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, पोटेशियम शॉर्ट में लिख रहा हूँ, नाइट्राइट आप ऐसे नहीं लिख सकते, आपको पूरा लिखना होगा, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन गैस, ठीक है। लेकिन प्यारे ये वाले जो है ना, ये वाले ये नाइट्राइट नहीं बनाते हैं, ना 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 ना, ये तो ऊपर वाले ने ऑक्सीजन गैस बनाई थी, लेकिन ये सारे हीट होने पर दो गैसेस बनाते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस। सभी लोग, सभी बच्चे, मतलब सॉरी सभी कंपाउंड्स दो गैस बनाते हैं, लेकिन साथ में क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड, ऑक्साइड बन जाता है। यहाँ पे क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस। सेम यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ क्या बनेगा, आप अपने आप लिखेंगे, और मैं बैलेंस नहीं करिए, आप बैलेंस भी करेंगे, ठीक है, बैलेंस करना है इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिलहाल। लेकिन क्या होता है, ये जो सिल्वर नाइट्रेट और मरकरी नाइट्रेट है, ये जब हीट होते हैं प्यारे, तो इनसे क्या बनता है, यहाँ पे ऑक्साइड बने थे, लेकिन यहाँ ऑक्साइड भी नहीं बनते, सिल्वर प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस। ऐसे यहाँ पे मरकरी प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। अब ये कैसे याद रखें कि सर ये वाले ऑक्साइड्स बनाएंगे और ये वाले ऑक्साइड्स नहीं बनाएंगे, तो सिंपल सी बात है, ये बहुत ही लेस रिएक्टिव होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आने की वजह से। आप याद रखो ऐसे कि अरे ये तो बहुत कमज़ोर होते हैं, ये भैया सिल्वर और मरकरी इतने कमज़ोर होंगे कि ये ऑक्सीजन को अपने साथ बांध ही नहीं पाएंगे और ऑक्सीजन इनको छोड़ के घर से भाग जाएगी, कमज़ोर हैं, कमज़ोर को भाग गई छोड़ के, ठीक है, तो यहाँ पे ये अकेले रह जाएंगे, जबकि यहाँ ऑक्सीजन इनके साथ चिपकी रहेगी क्योंकि ये रिएक्टिव हैं, ताकतवर हैं, ताकतवर, ठीक है। चलिए फिलहाल बात करें, ये तो बहुत ताकतवर है, अरे ये तो ऑक्सीजन भी ले लेंगे अपने साथ, नाइट्रोजन दो दो लोग को रखेंगे अपने, नाइट्रोजन भी रहेगी ऑक्सीजन भी रहेगी, लेकिन ये थोड़े कमजोर, सिर्फ ऑक्सीजन रहेगी इनके साथ, ये और कमजोर, कोई नहीं रहेगा इनके साथ, अकेले बैठे रहो बेटा, ठीक है। चलिए फिलहाल नाइट्रोजन यहां आ गई तो यहां नहीं आएगी, यहां नहीं आई तो यहां बनानी पड़ेगी, यहां नहीं आई तो यहां बनानी पड़ेगी, ऑक्सीजन तो सब में बनेगी बनेगी। तो एग्जाम में क्या आएगा कि एक कंपाउंड बताओ, नाइट्रेट बताओ ऐसा जो हीट करने पर दो गैसेस बनाता है, एक ऐसा नाइट्रेट बताओ मेटल का जो हीट करने पर सिर्फ एक गैस बनाता है, तो एक गैस कौन बना रहा है, ये दोनों, जबकि ये वाले सारे दो गैसेस बना रहे हैं, जिसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड किस कलर की होती है, जी हाँ रेडिश ब्राउन कलर की गैस होती है, ऑक्सीजन कलरलेस होती है। फिलहाल ये वाला तो मैंने अभी बता ही दिया भैया, अमोनियम नाइट्रेट, हा, 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 भूल गए, हाँ अमोनियम नाइट्रेट क्या बनाएगा, लाफिंग गैस प्लस वाटर, ठीक है। चलिए ये आप नोट कर लीजिए पूरा बैलेंसिंग के साथ, फिर हम बढ़ते हैं एक टॉपिक और आगे, आगे क्या कह रहे हैं देखिए,
कह रहे हैं कि एक्शन ऑफ हीट ऑन हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, ये हम एसिड बेसिस वाले में पढ़ चुके हैं, क्रिस्टलाइजेशन वाले में। प्यारे जितने भी हाइड्रेटेड सॉल्ट्स होते हैं, हाइड्रेटेड का मतलब जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के मॉलिक्यूल्स लगे होते हैं, H2O लगा होता है, जैसे कि हम बात करें, जैसे कि चलो यहाँ पे ये CuSO4.5H2O को अगर हम हीट करते हैं, तो हमने पढ़ा है हीट करने पर बेचारे मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इससे अलग हो जाएंगे, 5H2O उड़ जाएंगे और ये बेचारा रह जाएगा CuSO4, है ना। तो ये जो सॉल्ट है जिसमें मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन लगे होते हैं, इसे हम बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट या फिर हाइड्रस सॉल्ट, और ये होता है आपका एनहाइड्रस सॉल्ट। एनहाइड्रस इसका नाम रख सकते हैं एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, जिसमें पानी नहीं है उसमें हम लिखेंगे एनहाइड्रस, ठीक है, और इसमें हाइड्रस कॉपर सल्फेट, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट पूरा नाम होगा, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। कलर की बात करें प्यारे, तो इसका जो कलर होता है ये होता है किस कलर का, ब्लू क्रिस्टल्स होते हैं, जबकि ये वाइट पाउडर होता है। ऐसे आप दूसरे भी ले सकते हो, कई सारे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए, ये लीजिए, कौन सा लेंगे, चलिए MgSO4 ले लेते हैं, MgSO4.7H2O, कौन सा है ये, इप्सम सॉल्ट, इसको हम हीट करेंगे, हीट करने से MgSO4 अलग और वाटर अलग। और ये जो फिनोमिना होता है, जैसे ये जैसे हीट करने से वाटर अलग हुआ है, हीट की बजाय ये अगर हम एक्सपोज टू एयर रख दें इसे, तो भी वाटर उड़ जाता है एयर की गर्मी लेके। तो ये जो फिनोमिना होता है, जिस फिनोमिना में किसी भी हाइड्रेटेड सॉल्ट को या तो एक्सपोज टू एयर रखा जाए, और व्हेन इट इज हीटेड इट लूजेस मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, दिस फिनोमिना इज नोन एज, इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, याद करो, इस फिनोमिना को हम कहते हैं एफ्लोरेसेंस, जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एक्सपोज टू एयर रखने पर या हीट करने पर लॉस हो जाते हैं, इसे हम कहते हैं एफ्लोरेसेंस। बस समझ पा रहे हो, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं, आगे की बात क्या आ रही है, आगे की बात है सल्फाइड्स। लीजिए अब सल्फाइड्स कहाँ आ गया, जैसे नाइट्रेट्स NO2 बनाते हैं जनरली, कार्बोनेट CO2 बनाते हैं, अमोनियम सॉल्ट्स NH3 बनाते हैं, ऐसे ही सल्फाइड्स जिसमें SO3 लगी होती है वो क्या बनाते हैं, वो SO2 गैस बनाते हैं। लेट्स सी, जैसे सोडियम सल्फाइड की बात करें, फॉर्मूला होता है Na2SO3। कैल्शियम सल्फाइड की बात कर, सॉरी ये क्या लिख दिया भैया, ये क्या लिख दिया है भैया, Na2SO3। ऐसी कैल्शियम सल्फाइड की CA, अरे आजा भाई CA, अरे क्या हो गया ना मानेगा, कैल्शियम सल्फाइड CaSO3, इसको बेटा अगर आप हीट करोगे मेरे प्यारे, इसको अगर आप हीट करोगे तो सल्फाइड से कौन सी गैस निकल पड़ेगी, SO2 गैस निकल रही है, अपवर्ड एरो। साथ में सोडियम सल्फाइड है तो भैया यहाँ से SO2 निकल जाएगा, एक O बचेगा, वो O सोडियम के साथ लग के सोडियम ऑक्साइड, ऐसे यहाँ SO3 का O निकल गया, O बच गया, कैल्शियम ऑक्साइड, बैलेंस नहीं है प्यारे लाल चने वाले, बैलेंस कर लो इसे, ठीक है, यहाँ पे बैलेंस तो ऑलरेडी है, ऊपर वाली बैलेंस नहीं है, दोनों बैलेंस हैं। चलिए बात समझ गए कि नहीं समझ गए, तो सल्फाइड्स SO2 बनाएंगे। SO2 जो गैस होती है वो टेस्ट कैसे की जाती है, बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड की तरह, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, बेटा SO2 भी टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ठीक है। चलिए फिलहाल आगे देखते हैं क्या बोले हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ आयंस। कोई भी एक सॉल्ट है उसमें कॉपर आयन है, मैग्नीशियम आयन है, एल्युमिनियम आयन है, जिंक आयन है, कौन सा आयन है ये कैसे पता लगाएंगे, पॉजिटिव वाला कैसे पता लगाएंगे, नेगेटिव वाला, इसका आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 एनालिटिकल केमिस्ट्री, वो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी इस पार्ट की डिटेलिंग मैंने उसमें पढ़ाई है आपको, अगर आपने नहीं किया है अटेंड तो प्यारे ज़रूर कर लीजिए, ऊपर लिंक दे रखा है, नीचे भी लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो जाके छोटा सा 2 लेक्चर्स का चैप्टर है वो आप अटेंड करिए, थोड़ा सा थियोरेटिकल ज़्यादा है लेकिन भैया एग्जाम में आता है तो करना तो पड़ेगा अगर आपको मार्क्स चाहिए तो अभी मैं यहाँ पे इस वाले पार्ट को इतनी डिटेलिंग में नहीं बताऊंगा, डिटेलिंग मैंने उस लेक्चर में कर रखी है, तो नहीं देखा है वहाँ जाना, देख लिया तब भी चले जाना,
रिवाइज हो जाएगा। फिलहाल अभी यहाँ देखिए, फिर आगे बाद में जाइएगा। देखिए यहाँ आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैटाइंस क्या है, जैसे आपको ध्यान हो जो एनालिटिकल केमिस्ट्री था उसमें हमने दो एल्कलीज पढ़ी थी, NaOH और NH4OH। इन दो एल्कलीज को सॉल्ट से रिएक्ट करने पर प्रेसिपिटेट बनता है। उस प्रेसिपिटेट के कलर से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि जो सॉल्ट हमने रिएक्ट कराया था NH4OH या NaOH से, वो कौन सा सॉल्ट था कलर से प्रेसिपिटेट के। और फिर उसमें एक्सेस NaOH NH4OH भी डालते थे, याद है कि नहीं है? तो वो कुछ में डिसॉल्व हो जाता है, कुछ में नहीं होता है, वो मैं यहाँ पे रिवाइज करा रहा हूँ। ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपने वो लेक्चर अटेंड कर रखा होगा, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा ये वाला टॉपिक फास्ट कर रहा हूँ। तो अगर किसी ने लेक्चर अटेंड नहीं किया है तो पहले वो कर लो, नहीं तो थोड़ा सा स्किप करके आगे बढ़ सकते हो, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल तो अभी देखिए, कैल्शियम, लेड, जिंक, कॉपर, ये आयरन 2, आयरन 3, इनको हम NaOH से रिएक्ट कराएंगे। और फिर अमोनिया सॉल्यूशन, अमोनिया सॉल्यूशन का मतलब होता है प्यारे, अमोनिया सॉल्यूशन का मतलब होता है NH4OH से रिएक्ट कराएंगे इन सबको। तो क्या होता है, अगर हम NaOH से कैल्शियम सॉल्ट को रिएक्ट कराते हैं, जैसे कैल्शियम सल्फेट प्लस NaOH, तो एक सॉल्ट बनता है, प्रेसिपिट बनता है जो कि वाइट कलर का होता है। ऐसी लेड को अगर हम NaOH से कराएंगे तो लेड हाइड्रोक्साइड बनेगा जो खुद वाइट कलर का प्रेसिपिट होगा। एक रिएक्शन में यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ, जैसे देखिए लेड की ले लीजिए, लेड का सॉल्ट ले लिया, जैसे आपने लेड क्लोराइड, ठीक है, इसको हमने रिएक्ट करा NaOH से, तो यहाँ पे Na तो Cl के साथ जाएगा, लेड OH के साथ जाके बनाएगा लेड हाइड्रोक्साइड जो कि खुद वाइट कलर का PPT होगा। तो ये तीनों वाइट कलर का PPT बनाते हैं, लेकिन इसमें कैल्शियम का PPT वाइट कर्डी होता है, कर्डी यानी दही की तरह, जबकि लेड वाला चौकी वाइट होता है, जबकि जिंक वाला जेलेटिनस वाइट PPT होता है। तो एग्जाम में देंगे कि सॉल्ट reacts with NaOH to form gelatinous white PPT. तो कहेंगे identify the cation present in the salt. बोलेंगे अच्छा gelatinous, बोले कौन सा, zinc. अब ये याद कैसे करें, तो मैंने तो ऐसे याद कर रखा है, zinc का याद कर लिया मैंने, zinc z, z, zinc का z और gelatinous का z, gelatinous का gelatinous किसका है, zinc का है, ठीक है। चौकी, चौकी किसका है, चौकी है lead का, ठीक है। और कर्डी वाइट, कर्डी का सी कैल्शियम का सी, ठीक है। अब बोलोगे चौकी में भी आता है, अब ऐसे तो अपने आप थोड़ा सा करना पड़ेगा, अपने आप बनाओ कुछ भी और करो। कॉपर का बता दिया था, कॉपर के सॉल्ट ब्लू होते हैं तो उसका प्रेसिपिटेट भी पेल ब्लू होता है, जो कि आप देखिए ये तीनों में जो प्रेसिपिटेट बनेगा उसको हम एक्सेस NH4OH डालेंगे इसमें अगर, तो वो प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन इसमें प्रेसिपिटेट डिसॉल्व नहीं होगा, कॉपर वाला प्रेसिपिटेट डिसॉल्व नहीं होगा। तो ये सारे कलर बेटा मैंने लिखे हुए हैं, ये आपको करने हैं, वो वाला लेक्चर अटेंड करिए, वहाँ पे बहुत डिटेलिंग में मैंने बहुत प्यारे तरीके से आपको समझाया है। उम्मीद है अगर सही से ईमानदारी का मतलब पेशेंस से अटेंड करेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो पूरा का पूरा दिमाग में ऐसे बैठ जाएगा कि मज़े लग जाने हैं। चलिए फिलहाल इसके साथ आगे बढ़ते हैं, फिर इसके क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। चलिए लेट्स सी आगे का पार्ट। जैसे ये कैटाइंस का था, अब एनाइंस का है। एनाइंस का आप मुझे बताओ, मैंने यहाँ पर खाली जगह छोड़ रखी है, देखते हैं आप बता पाते हैं या नहीं है। कमेंट बॉक्स में आप 1 का ए लिखना क्या आंसर है, 1 का बी लिखना, 1 का सी नहीं, मतलब ऐसे 1 का लिखना कि क्या फिल इन द ब्लैंक्स है, 2 का लिखना क्या फिलअप्स है। फिलहाल देखते हैं क्या है, पहले पॉज करके अपने आप पढ़ लो फिर आगे बढ़ना। कह रहे हैं एक हमने एक्सपेरिमेंट किया जिसमें स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट ली और उसमें H2SO4 डाला तो ब्रिस्क एफरवेसेंस निकला। कह रहे हैं बताइए गैस कौन सी है, अरे ये पढ़ते ही आपको समझ जाना चाहिए। ब्रिस्क एफरवेसेंस हमेशा जो वर्ड यूज किया जाता है वो कौन सी गैस के लिए किया जाता है, वही गैस जो कि कोल्ड ड्रिंक की बॉटल ओपन करते हैं और पड़क और एकदम गैस झाग निकलते हैं, किस चीज के, कार्बन डाइऑक्साइड के। तो प्यारे यहाँ पे ब्रिस्क एफरवेसेंस कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, हमेशा कलरलेस होती है। चलो फिर भी कन्फर्म करने के लिए नीचे का पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं इट डज नॉट सपोर्ट कंबशन, हाँ कार्बन डाइऑक्साइड सपोर्ट नहीं करती है, एस्टिंग्विश कर देती है जलते हुए स्प्लिंटर को, और ब्लू लिटमस को रेड कर देती है क्योंकि वो एसिडिक होती है, लाइम वाटर मिल्की कर देती है। अरे सारी चीजें तो मैच हो रही हैं, इसका मतलब वो कौन सी गैस ही है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे द गैस इवॉल्व इज, अरे
गैस इवॉल्व इज कार्बन डाइऑक्साइड, पूरा नाम लिखना होता है, नाम कैसे याद आया, एग्जाम में आता है नेम द गैस इवॉल्व, कई बच्चे लिख के आ जाते हैं सी ओ टू, वहीं पे उनको मिलेगा क्या अंडा, काय को भैया उनने क्या क्वेश्चन में पूछा बोर्ड वाले ने, नेम, नेम द गैस, नेम का मतलब होता है नाम, तो भैया पूरा नाम लिखना है कार्बन डाइऑक्साइड, चाहे ब्रैकेट में CO2 लिख सकते हो, ठीक है। चलिए ऐसी द सॉल्ट कंटेन्स कौन सा आयन, ओ सॉल्ट में कौन सा आयन होगा, आपको ये बताना है। तो आप देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा नीचे वाले में, टू द अबव प्रेसिपिटेट पास द गैस इन एक्सेस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इन एक्सेस, द वाइट प्रेसिपिटेट डिजॉल्व टू फॉर्म कलरलेस सल्यूशन, ठीक है। अभी आप ये देखिए जो कि सॉल्ट था उसमें नाइट्रिक एसिड पास करने से जो वाइट प्रेसिपिटेट था वो डिसॉल्व हो गया, कलरलेस सॉल्यूशन बना दिया। अब आप देखिए कह रहे टू अबव प्रेसिपिटेट, जो लाइम वाटर से पास करने पर कार्बन डाइऑक्साइड से प्रेसिपिटेट बनता है वो किस चीज का बनता है प्रेसिपिटेट, कार्बन ना, ये लाइम वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराते हैं प्यारे, तो लाइम वाटर होता है CaOH होल ट्वाइस, तो बनता है प्रेसिपिटेट CaCO3 का, है ना। व्हाइट प्रेसिपिटेट जो होता है लाइम वाटर मिलके हुए कह रहे हैं, तो बताइए इस सॉल्ट में कौन सा आयन, आयन के एनायंस की बात हो रही है यहाँ पे, कौन सा एनायन प्रेजेंट होगा इसमें, ऑब्वियसली माइनस वाला एनायन कौन सा है, CO3 टू माइनस, ऐसे लिख देंगे कार्बोनेट आयन। आगे की बात करिए, कह रहे हैं टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट इन अ टेस्ट ट्यूब एंड एड H2SO4, रॉटन एग स्मेल, अरे रॉटन एग स्मेल किसकी होती है मेरे भाई, रॉटन एग स्मेल होती है, हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था किसकी, हाइड्रोजन सल्फाइड की, पूरा नाम लिखना। फिर कह रहे हैं ब्रिंग अ मॉइस्ट लेड एसिटेट पेपर, ब्रिंग अ मॉइस्ट लेड एसिटेट पेपर नियर द गैस, द लेड एसिटेट पेपर टर्न्स ब्लैक, ब्लैक हो जाता है पेपर, कह रहे सॉल्ट कंटेन्स, तो बेटा ऑब्वियस ही बात है हाइड्रोजन सल्फाइड बन रही है, सल्फाइड बन रही है तो उसमें कौन सा एनायन होगा, सल्फाइड वाला ही एनायन होगा, सल्फाइड वाला एनायन को हम क्या लिखेंगे S, चार्ज क्या होता है टू माइनस, तो सल्फाइड आयन लिख दोगे। फिर आगे देखो कह रहे गैस इवॉल्व हैज स्मॉल क्वांटिटी डाला फलाना डिमकाना सफोकेटिंग ओडर ऑफ बर्निंग सल्फर, अरे सल्फर बर्न पहले लेक्चर में करा दिया था, बर सल्फर को बर्न करेंगे कौन सी गैस बनेगी SO2, ठीक है। और कह रहे हैं कि बताइए ब्रिंग अ फिल्टर पेपर मॉइस्टेंड विद एसिडिफाइड डाइक्रोमेट सॉल्यूशन नियर द गैस, गोल्डन येलो और ऑरेंज येलो कलर पेपर टर्न्स ग्रीन, बेटा ये एग्जाम में आ चुका है शायद 2020 में आ चुका है ये, आगे बताने वाला हूँ मैं। कह रहे हैं कि ये बताइए कि इसमें कौन सा आयन है, बेटा SO2 बन रही है तो SO2 गैस कौन से सॉल्ट्स को हीट करने पे बनती है, सल्फाइड्स को, सल्फाइड्स को हीट करते हैं कैल्शियम सल्फाइड पोटेशियम सल्फाइड अमोनियम सल्फाइड, सल्फाइड्स को हीट करने पर, सॉरी अमोनियम सल्फाइड नहीं जिंक सल्फाइड, सल्फाइड्स को हीट करने पर SO2 बनती है, तो सल्फाइड्स जो होते हैं SO3 होते हैं तो उसमें एनायन कौन सा होगा, सॉल्ट कंटेन्स कौन सा एनायन SO3 टू माइनस, ये एक्चुअली आयन लिखा है लेकिन एग्जाम में एनायन लिखा हुआ ही आएगा, बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, चलो इसको नोट कर लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बात है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, देखिए कह रहे हैं टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट इन अ टेस्ट ट्यूब कलरलेस HCl गैस विद पंजेंट ओडर इज इवॉल्व, पंजेंट ओडर की गैस इवॉल्व हो रही है, तो बेटा ऑब्वियस ही बात है HCl कलरलेस गैस HCl है, HCl में अभी हम एनायंस की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली HCl गैस सिर्फ तभी बनेगी जब वहाँ पे कौन सा एनायन हो, HCl बन रही है तो इसमें एनायन माइनस वाला कौन सा हो Cl माइनस, तो इसमें कौन सा एनायन प्रेजेंट होगा माइनस, यहाँ एनायंस लिखे हैं एनायंस ही लिखने हैं कैटायंस नहीं लिखने हैं। ऐसे यहाँ देखिए ब्रिंग अ ग्लास रॉड अमोनिया में डिप करके लाइए वाइट डेंस फ्यूम्स बनी, तो बेटा ग्लास रॉड पे आपको याद हो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था अमोनिया के साथ अमोनिया सॉल्यूशन से अगर हम रिएक्ट कराएंगे यानी अमोनिया सॉल्यूशन का मतलब हो गया NH4OH, तो वाइट डेंस फ्यूम्स तब बनती हैं जब इसके ऊपर क्या लगाओ HCl लगा हो, है ना, तो ये NH4Cl की वाइट डेंस फ्यूम्स बनती हैं, तो डैश आयन इज कंफर्म्ड, ऑब्वियसली कौन सा आयन Cl- आयन, इसका मतलब इसके अंदर Cl- आयन ही है,
तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर दे रहा हूँ अभी, ये आप लोग पढ़ेंगे। ग्रीनिश येलो गैसेज इवॉल्व की बात हो रही है, तो भैया ग्रीनिश येलो गैस कौन सी होती है? ऑब्वियसली फिर से ग्रीनिश येलो क्लोरीन गैस होती है। तो फिर से कौन सा आयन इज कन्फर्म? Cl- क्लोराइड आयन ही होगा उसमें क्लोरीन गैस की वजह से। कह रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट डाला तो वाइट पीपीटी ऑफ AgCl इज फॉर्म विच डिजॉल्व इन एक्सेस ऑफ NH4OH, विच डिजॉल्व इन एक्सेस ऑफ NH4OH। फिर से वही बात आई, प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl बना तो फिर से कंफर्म हो गया उसमें कौन सा आयन है? Cl- आयन है। फिर बात करें, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन अ टेस्ट ट्यूब एंड एड फलाना डिमकाना, रेडिश ब्राउन फ्यूम्स इज इवॉल्व। रेडिश ब्राउन फ्यूम्स किसकी, कौन सी गैस की होती हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की होती हैं। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड किससे बनती है? नाइट्रेट्स को हीट करने पर। यानी कौन सा आयन होगा अब की बार? द गैस इवॉल्व इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और आयन कौन सा होगा? नाइट्रेट्स को हीट किया है तो नाइट्रेट्स में एनायन होता है NO3-। ठीक है, ऐसे फिर यही, फिर वही है, कह रहे हैं ब्राउन रिंग टेस्ट की बात कर रहे हैं, सॉल्ट फ्रेशली प्रिपेयर्ड, ये सब हमने वहाँ पर कराया है नाइट्रेट वाले चैप्टर में। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करते रहा हूँ, ब्राउन रिंग अपीयर्स एट द जंक्शन ऑफ द टू लिक्विड लेयर्स, द ब्राउन रिंग डिसअपीयर्स ऑन शेकिंग। ब्राउन रिंग टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे, कमेंट्स आ रहे थे कि सर ये करना है नहीं करना है, करना है। तो ये जो ब्राउन रिंग टेस्ट होता है इससे भी नाइट्रेट वाले आयन का ही कंफर्मेशन होता है कि वहाँ पे नाइट्रेट आयन है कि नहीं है आपके सॉल्ट में गिवन। चलिए फिलहाल ये हो गया आपका, अब बात आई डिस्टिंक्शन बिटवीन डाइल्यूट एसिड्स एंड एल्कलीज। मेरे प्यारे अभी बहुत ही आसान चीज़ होने वाली है क्योंकि आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। एसिड और बेसिस को टेस्ट करने के लिए ऑब्वियसली इंडिकेटर्स का यूज़ होता है, जो मेनली तीन इंडिकेटर्स लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थिलीन पढ़े हैं, और साथ में एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है आपका पीएच पेपर, है ना, तो वो हम करने जा रहे हैं। देखिए एक्शन ऑन इंडिकेटर्स की अगर हम बात करें तो लिटमस, मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन का एसिड में क्या होता है? एसिड जो है ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। कहीं भी लिख के आया कि ब्लू लिटमस रेड हो गया तो बताइए कैसा सोल्यूशन है, तो कह दोगे एसिडिक। जबकि बेस क्या करता है? बेस रेड से ब्लू कर देता है। अब ये पता तो है आप लोग को कि एसिड और बेस कोई रेड टू ब्लू करता है, कोई ब्लू टू रेड करता है, लेकिन कई बार हम भूल जाते हैं एग्जाम में कि अरे रेड टू ब्लू कौन सा था, वो एसिड था, बेस था, क्या था, क्या था। अरे तो मैं आपको आज एक ऐसी चीज़ बता दे रहा हूँ जो पहले के लेक्चर्स में मैंने बताई है, जिससे जिंदगी भर मरते दम तक ना भूल पाओगे कि एसिड ब्लू को रेड करता था या बेस। देखो इसके लिए एक नाम याद रखो मेरे प्यारे, एक भाईजान है जिनका नाम है अनिल बाबू। क्या? अनिल। अनिल का नाम याद रखोगे तो वो सब बताएंगे आपको। अनिल से कैसे बताएंगे? देखो अनिल के ए से होता है आपका एसिड, ठीक है। एनआई कैसे होता है? नीला। और ला से होता है, एल से होता है लाल। यानी एसिड जो है वो नीले को लाल कर देता है, यानी एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। ऐसा कर लिया तो जिंदगी भर नहीं भूलोगे, ऑब्वियसली एसिड का ये है तो बेस का इससे उल्टा ही होना है। वैसे बेस के लिए एक ये भी है, बी टू बी याद कर लेते हैं, बी टू बी वर्ड याद रखो, यानी बेस जो है वो ब्लू करता है किससे? रेड से। बेस जो है वो रेड से ब्लू कर देता है, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। फिलहाल बात करें मिथाइल ऑरेंज की, बेटा ये रटने वाली बात है, मिथाइल ऑरेंज का खुद कलर ऑरेंज होता है, वो ऑरेंज से पिंक करता है, जबकि बेस जो है वो ऑरेंज से येलो कर देता है, ऑरेंज से येलो कर देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात आई आपकी, फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन जो है वो खुद कलरलेस होता है, एसिड डालने पर कलरलेस ही रहता है, जबकि बेस डालने पर फिनोप्थिलीन पिंक हो जाता है। तो आप समझ जाइए पिंक हो गया अगर तो वो क्या है? बेस है, ठीक है। आगे बात करें फ्लेम टेस्ट, भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कुछ नई चीज़ है जो पीछे के चैप्टर में किसी में भी नहीं दे रखी है और एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि जैसे सॉल्ट्स होते हैं, सॉल्ट्स को जब हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो वो पर्टिकुलर कलर की फ्लेम देते हैं, तो पर्टिकुलर कलर की फ्लेम से हम कैसे पहचाने कि वो उसमें कौन सा आयन प्रेजेंट था? तो लेट्स सी। तो जैसे मैंने बोला कि कंपाउंड्स को हीट करना होगा, हीट नहीं जलाना होगा फ्लेम के अंदर ताकि कलर मिले, लेकिन ऐसा करने से पहले एक प्रोसीजर अपनाया जाता है जो थोड़ा सा
एग्जाम से हटके मैं बता रहा हूँ आपकी नॉलेज के लिए, हालांकि एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा लेकिन फिर भी पता हो तो अच्छा रहता है आपको नॉलेज के लिए। जब हम कोई भी आपको सॉल्ट दिया गया, सोडियम नाइट्रेट दिया गया, पोटेशियम क्लोराइड दिया गया, पोटेशियम नाइट्रेट दिया, कैल्शियम सल्फेट दे दिया, तो क्या किया जाता है, पहले ये जितने भी सॉल्ट हैं इन सॉल्ट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके इसका एक पेस्ट बनाया जाता है, थिक पेस्ट बनाया जाता है। जनरली HCl से रिएक्ट करने पर क्या होता है, ये जितने भी सॉल्ट्स होते हैं, अगर वो नाइट्रेट्स हैं, सल्फेट्स हैं या कोई और सॉल्ट्स हैं, कार्बोनेट्स हैं, तो वो HCl से रिएक्ट करके क्लोराइड्स बना लेते हैं। जैसे सोडियम सल्फेट है वो सोडियम क्लोराइड बना लेगा, पोटेशियम नाइट्रेट है वो पोटेशियम क्लोराइड बना लेगा, क्लोराइड बना लेते हैं HCl से रिएक्ट करके। और जो क्लोराइड्स होती हैं ना, वो फ्लेम में ले जाने पर क्लोराइड के जो सॉल्ट्स होते हैं वो आसानी से वोलेटाइज हो जाते हैं, उड़ जाते हैं और उड़ के जलने लगते हैं, और जलने से कलर बहुत अच्छे से आसानी से हमें दिखने लगता है, आने लगता है, इसलिए पहले उन्हें क्लोराइड्स में कन्वर्ट किया जाता है HCl के साथ थिक पेस्ट बना के। फिर पेस्ट तो बना लिया, फिर क्या किया जाता है, प्लैटिनम का वायर लिया गया, पेस्ट तो बना लिया। अरे भैया पेस्ट बना के क्या ऐसे हाथ से जलाओगे या चम्मच में रख के जलाओगे या कैसे जलाओगे, या तीली लगा दोगे, बम का धमाका कर दोगे फट? अरे नहीं, उसका भी एक तरीका है जलाने का। अरे मेरे प्यारे, जलाने के लिए आप क्या करोगे, प्लैटिनम का वायर लाओगे, क्योंकि वो अनरिएक्टिव होता है, लीस रिएक्टिव है, उसके ऊपर वो पेस्ट लगाओगे। ना 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 ना, ऐसे पेस्ट मत लगा देना। अरे उसके ऊपर कोई गंदगी लगी होगी तो उसके साथ पेस्ट लगाओगे, फिर वो भी गंदगी जलने लगेगी, कलर चेंज हो जाएगा, पहले गंदगी साफ करो। कैसे, प्लैटिनम के वायर को HCl में डिप कर दो, तो जो भी उसके ऊपर गंदगी लगी है वो HCl में डिजोल्व हो जाएगी, छूट जाएगी, प्लैटिनम तो हो नहीं पाएगा, वो लेस रिएक्ट लीस रिएक्टिव होता है। फिर जब वो गंदगी छूट जाए तो उसके ऊपर फिर पेस्ट लगाओ, और फिर फ्लेम के ऊपर ले जाके उस प्लैटिनम के वायर को जिस पे छोटा पेस्ट लगा रखा है उसे जलाओ, जलाओगे तो कलर निकलेगा, फ्लेम का कलर बनेगा। अगर वो फ्लेम का कलर आपका गोल्डन येलो कलर की इस तरीके से फ्लेम जलने लगे प्लैटिनम का वायर के ऊपर लगा हुआ पेस्ट को जलाने पर, तो आप समझ जाना गोल्डन येलो फ्लेम, इसका मतलब उस सॉल्ट में सोडियम आयन है। यानी गोल्डन येलो फ्लेम से कौन जलता है, सोडियम के सॉल्ट्स। तो आयन की आपकी आइडेंटिफिकेशन हो गई, कौन सा आयन है, सोडियम सॉल्ट, ठीक है। नेक्स्ट, ऐसे ही अगर पोटेशियम का सॉल्ट होगा प्यारे, तो वो इस तरीके से लिलैक फ्लेम ऐसे पर्पल सी फ्लेम, लिलैक कहते हैं इसे, इससे जलेगा। ऐसे कैल्शियम का होगा, कैल्शियम का ब्रिक रेड कलर से जलता है, बिल्कुल ऐसे ईंट जैसी, अरे वाह मजेदार, ऐसे देखने का मन करता है मेरा तो, ऐसे करके देखें कितने मजे आएंगे, ऐसे ब्रिक रेड फ्लेम के साथ ये सॉल्ट जलेगा। ऐसे ही अगर कॉपर है तो कॉपर बर्न्स विद अ पीकॉक ब्लूइश ग्रीन फ्लेम, ऐसे पीकॉक की ब्लूइश ग्रीनिश फ्लेम से जलेगा। तो प्यारे इसका एक फोटो खींच लो, बड़े मज़ेदार कलर्स निकलते हैं जब इसके इस तरीके से कलर्स निकलते हैं, दिवाली की तरह, दिवाली से भी प्योर कलर्स। तो याद रख लो, सोडियम गोल्डन येलो फ्लेम, पोटेशियम लिलैक फ्लेम, कैल्शियम ब्रिक रेड, और कॉपर आपका हो गया पीकॉक ब्लूइश ग्रीन, ठीक है प्यारे। चलिए नेक्स्ट बात आई आपकी यूनिवर्सल इंडिकेटर, ये भी आप एसिड बेसिस सॉल्ट्स में पढ़ चुके हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर जो हमें ये तो बताता ही बताता है कि कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंस में एसिड है या बेस है, या मतलब एसिड बेस तो बताता ही बताता है, साथ में कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक बेस है, वो भी हमें पता चल जाता है। बहुत डिटेल में तो यहाँ नहीं बताऊंगा, क्योंकि एसिड बेसिस वाले चैप्टर में लिंक नीचे दे रखा है, एसिड बेसिस की एक प्लेलिस्ट है, उसमें पूरा प्लेलिस्ट के अंदर जाके आप ये वाला लेक्चर देख सकते हैं, सबसे लास्ट लेक्चर होगा, उसमें डिटेलिंग है। यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, ऊपर आई बटन पे लिंक भी दे दूंगा, वहाँ पे भी आप डायरेक्ट पीएच वाला देख सकते हैं, और जिसको शॉर्ट चाहिए पहले से पढ़ चुके हैं वो देख लें इसे। देखो पीएच 1 से लेकर मतलब 0 से लेकर पूरा 14 तक होता है इसका, 0.5 भी हो सकता है, 0.91 वगैरह, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसा होता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर किसी भी सॉल्ट का पीएच है ना, पीएच जो होता है 7, अच्छा पहले ये देख लें पीएच होता क्या है, पीएच पेपर बनाया कैसे जाता है। तो एक्चुअली बेटा क्या किया जाता है, पीएच जो होता है इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मेनी डिफरेंट इंडिकेटर्स विच गिव्स डिफरेंट कलर्स एंड डिफरेंट पीएच वैल्यूज, एक मिक्सचर बनाया जाता है अलग अलग डाइस को मिला के, इंडिकेटर्स को मिला के, जो कि अलग अलग स्ट्रेंथ वाले एसिड या बेस को डालें तो उसका कलर अलग अलग हो जाता है। तो उसके कलर से हम पहचान पाते हैं कि वो स्ट्रांग है, वीक है, सॉल्ट है, एसिड है, बेस है। तो कैसे पहचानते हैं, देखिए अगर आपने वो पीएच, उसको क्या पीएच सॉल्यूशन होता है, उसको पेपर पे बना ले जाता है, पेपर पीएच पेपर बन जाता है, पीएच पेपर
क्रीमिश कलर का होता है, उसे आप किसी भी सॉल्यूशन में डालिए उसका कलर चेंज हो जाएगा। अगर उसका कलर इस तरीके से डार्क रेड हो गया तो आप समझ जाना कि भैया उसका पीएच 0 है, रेड हो गया तो 1 या 2 है, ऑरेंज रेड हो गया तो 3 है, ग्रीन हो गया एंड सो ऑन 7 है, 12 है, वायलेट हो गया तो 14 है। अब इससे क्या पता चलेगा, पीएच की वैल्यू 7 है तो वो न्यूट्रल होगा, 7 से कम वाले एसिडिक होते हैं, 7 से ज़्यादा वाले एल्कलाइन यानी बेसिक होते हैं, 7 से कम में 6, 5, 4 सब एसिडिक होंगे, लेकिन जितना कम होगा पीएच वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। जैसे 1 और 5 में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ऑब्वियसली 1 पीएच वाला। और ऐसे ही 10 और 13 में से कौन, सब बेसिक होंगे लेकिन कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा 13 वाला। आगे जाएंगे बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, पीछे जाएंगे एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ती है, बीच में ग्रीन। तो मुझे ये लिख के बताओ जरा आप कमेंट बॉक्स में कि पीएच तो पढ़ते हुए आ रहे हो लेकिन पीएच की फुल फॉर्म क्या है, जरा देखें कितने लोगों को पता है, कमेंट बॉक्स में टाइप करो अभी पॉज करके, है ना, कि पीएच की फुल फॉर्म क्या है। चलिए फिलहाल देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये था आज का लेक्चर जिसमें मैंने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, लेकिन अभी एक चीज़ रह गई है, क्या बोला था मैंने, जी हाँ, इस चैप्टर में किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बोर्ड में पूछे गए हैं, कैसे पूछे जाएंगे, चैप्टर तो पढ़ लिया समझ में आ गया, लेकिन कैसे मिलावट होगी क्वेश्चनों की, वो हम अगले लेक्चर में करने वाले हैं, जिसका लिंक ऊपर आई बटन पर दे रखा है। तो मिलेंगे हम लोग बेटा अगले लेक्चर में क्वेश्चंस के साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसमें लाऊंगा, किस तरीके से आपको करना है ये समझ में तो आ गया, लेकिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि समझ में आना एक अलग चीज़ है और उसको अप्लाई करके लिखना बताना एक अलग चीज़ है। तो स्टे ट्यून्ड फॉर क्वेश्चंस, हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। लेक्चर कैसा लगा, काम का था या नहीं था, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ मुझे, और जितना ज़्यादा हो सकता है अपने फ्रेंड से बेटा शेयर करो, ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा हो इस लेक्चर से, और कहीं ना कहीं ऐसा करके आप मुझे भी सपोर्ट करेंगे। चलिए फिलहाल मिलेंगे बेटा हम अगले लेक्चर में इस चैप्टर के क्वेश्चंस के साथ आपके। जब तक के लिए मेहनत करते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, एंड मेरी तरफ से आपको आपके एग्जाम्स के लिए All the best.